गाइज आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कुछ इस तरीके से डार्क ब्लैक टोन में फोटो को एडिटिंग करना लाइट रूम ऐप का यूज करके। यहाँ पे देख पा रहे हो कि फोटो कितनी मस्त एडिट हुई है एंड गाइज बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लग रही है और फुल HD क्वालिटी में भी एडिट हुई है, ठीक है। तो गाइज आपको भी सीखना है कुछ इसी तरीके से फोटो को एडिटिंग करना ओनली लाइट रूम ऐप का यूज करके, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो वीडियो के एंड में आप भी अपने फोटो को कुछ इसी तरीके से एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस सबसे पहले अपने गैलरी से नॉर्मल फोटो को सेलेक्ट कर लेना, यानी कि जिस फोटो को आपको एडिट करना है। उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इस फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में आपको ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद आपको लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए मैं लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑल फोटो पे क्लिक कर देना है। ऑल फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने फोटो को ओपन कर लेना है जिस फोटो को आपको एडिट करना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करके फोर्टीन रख लेंगे प्लस में, और यहाँ से आपको हाईलाइट्स को डिक्रीज करना है। हाईलाइट्स को डिक्रीज करके यहाँ से माइनस में 44 कर लेंगे। शेडोज को भी यहाँ से डिक्रीज करेंगे, शेडोज को डिक्रीज करके माइनस में 14, और यहाँ से वाइट्स को भी डिक्रीज करके माइनस में 16, और ब्लैक्स को यहाँ से डिक्रीज करके यहाँ से आपको माइनस में 15 कर देना है। यहाँ पे इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको याद नहीं होता है तो यहाँ से स्क्रीन शॉट आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन शॉट करके रख लेना और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको स्टेप बाई स्टेप आपको करना है। यहाँ पे लाइट के एडजस्टमेंट अब हो चुकी है, ठीक है। अब आपको यहाँ से नीचे कलर वाले ऑप्शन पे आना है, और कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद कॉर्नर में एक मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो करना क्या है कि सबसे लास्ट वाले कलर को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि मैजेंटा कलर को, ठीक है। मैजेंटा कलर को सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज कर देना है, -100 कर देना है डिक्रीज करके। अब यहाँ से पर्पल कलर सेलेक्ट करना है, इसका भी सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके -100 कर लेना है। नेक्स्ट आपको ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है, इसका भी सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके -100 कर देंगे, और यहाँ से एक्वा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका भी सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके -100। नेक्स्ट आपको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से जो है वीडियो को सही से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेचुरेशन को आपको डिक्रीज करके -100 कर लेना है, और ह्यू को यहाँ से आपको डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनस को डिक्रीज करेंगे, ल्यूमिनस को डिक्रीज करके यहाँ से रखेंगे -25। नेक्स्ट आपको येलो कलर सेलेक्ट करना है, इसका भी सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज करके -100 कर देना है, ह्यू को भी आपको डिक्रीज करके -100 कर देना है। नेक्स्ट और यहाँ से आपको लुमिनियस को डिक्रीज करना है, लुमिनियस को डिक्रीज करके -26। अब यहाँ से ऑरेंज कलर आपको सिलेक्ट करना है, ऑरेंज कलर स्किन के कलर होती है, तो यहाँ से आप फेस को वाइट कर सकते हो। तो यहाँ से सेचुरेशन को आपको डिक्रीज करना है, सेचुरेशन को आपको डिक्रीज करके -66 कर लेना है। लुमिनियस को आपको इंक्रीज कर लेना है, लुमिनियस को इंक्रीज करके यहाँ पर रखेंगे 53 प्लस में। अब यहाँ से रेड कलर आपको सेलेक्ट करना है, रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद इसका सेचुरेशन को पूरा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से, प्लस में 100 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ह्यू को आपको डिक्रीज करना है, ह्यू को डिक्रीज करके -43। अब यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देंगे। देन गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो के अंदर जो है डार्क सा टोन आ चुका है, डार्क ब्लैक सा टोन। तो अब यहाँ पे हम इफेक्ट को ऐड करेंगे, तो इफेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ से आपको आ जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से टेक्सचर को आपको डिक्रीज कर लेना है, टेक्सचर को डिक्रीज करके -8, क्लियरिटी को इंक्रीज करके +10%, और डीएस को इंक्रीज करके 8% रख लेना है प्लस में। यहाँ से बिगिनर को आपको डिक्रीज करना है, बिगिनर को डिक्रीज करके -23, और मिड पॉइंट को डिक्रीज करना है, मिड पॉइंट को डिक्रीज करके माइनस में आपको प्लस में ही रखना है 33, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको फेदर को इंक्रीज करना है, फेदर को इंक्रीज करके यहाँ रखेंगे हम 78%, और राउंडनेस को भी यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, राउंडनेस को इंक्रीज करके 60% रख लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से भी आपको डन कर देना है। देन गाइस इस फोटो को देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, फोटो कितनी मस्त लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिटेल्स को ऐड करेंगे, डिटेल्स को ऐड करने के लिए यहाँ से डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ शार्पनिंग को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है प्लस में 8%। यहाँ से आपको नॉइज रिडक्शन जो है आपको इसको इंक्रीज करना है, नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज करके यहाँ से 79 कर लेना है। यहाँ पे कलर नॉइज रिडक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर लेना है प्लस में 3%, ठीक है। और यहाँ से नीचे आपको स्मूथनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको इंक्रीज कर लेना है। इस डिटेल्स को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने फोटो के अंदर, ताकि फोटो के अंदर जो स्मूथनेस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे इस फोटो को आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा HD क्वालिटी में हो जाएगी ये फोटो, देख पा रहे हो फोटो कितनी मस्त लग रही है। तो गाइस ये फोटो हमारी एडिट हो चुकी है, तो इस फोटो को HD क्वालिटी में सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करते ही फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, तब तक लेके मिलते अगले वीडियो में, बाय।